जमशेदपुर में आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले निर्मल गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इनके द्वारा कुर्मी जाति को आदिवासी जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान कुर्मी समाज के नेता सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो एवं हरमोहन महतो ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विगत दिनों रेल रोको अभियान एवं अन्य आंदोलन पर भी चर्चा की गई। वहीं आगामी दिनों किए जाने वाले आंदोलन पर भी चर्चा की गई। इन्होंने कहा कि एक राजनीति के तहत कुर्मी जाति को आदिवासी श्रेणी से बाहर किया गया है, जिसके खिलाफ यह आंदोलन है। आगामी दिनों जमशेदपुर में भी एक विशाल जुलूस आंदोलन के तहत निकाला जाएगा, जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने अधिकार की मांग करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान कुर्मियों की जो परिस्थिति है उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है और आने वाले दिन में कुर्मी जिस तरह रेल का आंदोलन बाजार के दर्शन कर रही थी, उसी तरह कुछ दिन पहले आपका भारत की राजधानी हमें संसद भवन घेराव का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम था। तो यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर के धरती में एक बड़ा आंदोलन मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हम आशा करते हैं कि बैठक के अंत में आज तिथि तय हो जाएगी कि कब हम लोग जमशेदपुर में रैली करेंगे। बहुत बड़ा रैली होगा जो ऐतिहासिक रैली होगा, जो बंगाल झारखंड और उड़ीसा के लोग भी मतलब प्रतिनिधि कर उपस्थित होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल के लोग ही उपस्थित रहेंगे। जो हमारा मुख्य मांग है कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी हमारी मांग है, कुर्माली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने की मांग है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए